गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है, वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। इस यदि पार्टिकुलर एमपी बोर्ड की बात करें तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। यानी नाभिकीय संलयन क्या होता है? जैसे नाभिकीय विखंडन का उल्टा होता है, नाभिकीय विखंडन में ये होता है कि भारी नाभिक जो है हल्के नाभिकों में टूटता है, तो नाभिकीय विखंडन होता था। और संलयन वाली जो क्रिया होती है वो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, है ना। तो यानी उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक मिलकर जब भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। जब यानी अति उच्च ताप व उच्च दाब पर दो हल्के नाभिक मिलकर जब भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। और इस क्रिया में भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ तक कि नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल में हम बताएंगे, छोटा सा एग्जाम्पल, कि ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक मिल करके हीलियम नाभिक बनाते हैं। और जब ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं तो बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो लगभग 21.6 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। उच्च ताप उच्च दाब पर है तो ताप का मान लगभग 10^7 K के आसपास होता है ना। और सामान्य ताप दाब पर यह क्रिया संभव नहीं होती है, क्योंकि सामान्यतः जब दो नाभिक पास में आएंगे तो नाभिकों में धन आवेश होता है। नाभिकों में क्या होता है? धन आवेश। बात को समझना, कभी पूछ दिया जाता है कि संलयन क्रिया सामान्य ताप दाब पर क्यों नहीं होती है, तो नाभिकों में धन आवेश होता है। तो जब दो नाभिक को पास में लाएंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो मिलेंगे कैसे? पर जब अधिक ताप दिया जाएगा तो ताप के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उनमें उतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को पार कर जाएंगे। प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को से ज़्यादा उनका प्रभाव हो जाएगा, यानी उनमें ऊर्जा आ जाएगी कि वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? विलीन हो जाएंगे, संलयित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर में आपको यही लिखना है कि नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन की या सामान ताप दाब पर संभव क्यों नहीं होती है। तो उसका जवाब अब यही है कि जब नाभिक दो नाभिकों को पास में लाया जाता है तो नाभिकों में धन धन आवेश होता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगने से वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब उसमें ताप की मात्रा बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को वो पार कर जाते हैं, प्रतिकर्षण बल के अस्तित्व को ख़त्म कर देते हो, प्रतिकर्षण बल का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। यानी उतनी ऊर्जा उनमें आ जाती है कि फिर वो उनकी तुलना में बहुत कम हो जाता है, तो फिर वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा में हमने क्या बताया कि जब उच्च ताप और उच्च दाब पर दो हल्के नाभिक एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, उच्च ताप व उच्च दाब पर जब दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, उच्च ताप व उच्च दाब पर जब दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं तो इस
को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जब उच्च ताप व उच्च दाब पर, यानी उच्च ताप व उच्च दाब पर जब दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं तो इस क्रिया को संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और क्रिया को नाभिकीय संलयन है ना कहते हैं। और इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये क्रिया साधारण ताप दाब पर नहीं होती। ताप का जो मान होता है इसमें, दाब का तो नहीं, पर ताप यहाँ पर ये बता दें, ताप लगभग बराबर होता है 10^7 केल्विन है ना, इसमें इतनी ताप। उदाहरण के लिए हम यहाँ एक लिख रहे हैं, ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे लगभग 21.6 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे लगभग 21.6 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए, ड्यूट्रॉन 1H2 + 1H2 1H2 1H2, ये हैं ड्यूट्रॉन। इससे जो बना 2He3+, इसमें जो पहले क्या होता है, ड्यूट्रॉन के 2 नाभिक मिल करके हीलियम का आइसोटोप बनाते हैं। हीलियम का आइसोटोप हीलियम आइसोटोप बनता है, इसमें 3.3 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। पहले ड्यूट्रॉन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम आइसोटोप बनता है। ठीक है ना, हाँ, हीलियम समस्थानिक। ठीक है, और ये अब बाद में एक ठो और ड्यूट्रॉन प्लस ये 2He3, तो यहाँ पर हीलियम नाभिक ये 18.3 MeV ऊर्जा। ठीक है, टोटल ऊर्जा 3.3 × 18.3 बराबर 21.6 MeV ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ, ऑल ओवर की बात करें तो इसमें ड्यूट्रॉन के कितने नाभिक हैं, 3 ठो। ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे लगभग इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन। तो स्टार्ट में क्या हुआ, 2 ड्यूट्रॉन मिल करके हीलियम समस्थानिक बना है, हीलियम आइसोटोप, और उससे 3.3 MeV ऊर्जा मुक्त हुई। फिर ये हीलियम नाभिक ड्यूट्रॉन से मिल करके फिर से हीलियम आइसोटोप वाला नाभिक ड्यूट्रॉन से मिलकर हीलियम नाभिक बनाया, जिससे ये 18.3। तो टोटल 3 ड्यूट्रॉन के 3 नाभिक मिला के, यानी
ये तीन नाभिक मिला के फाइनल ये बना है और कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है ये, ठीक है ना। तो ये है नाभिकीय संलयन, और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम बना हुआ है, ठीक है ना। तो उच्च ताप व उच्च दाब पर दो जब दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर भावी नाभिक बनाते हैं तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। उत्तेजक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका ताप लगभग इतना होता है, और एग्जाम्पल में हमने ये लिया है, ठीक है। तो ये रहा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन इसके पहले लेक्चर में हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।